तो आप देख सकते हैं ये कानपुर का विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन है, कितना खूबसूरती से बनाया गया है। और ये उसके नीचे का नज़ारा है, आसपास आपको ठेलियाँ देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर जो है फास्ट फूड की रेहड़ियाँ देख कह सकते हैं मैंने। यहाँ पर लोग अच्छा खासा जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं तो यहाँ पर जो खाते पीते हैं अपना बाकायदा। बाकी ये देखिए बाकी टी स्टॉल वगैरह बनाई हुई हैं और ये तमाम चीज़ों की जो है जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो हमारे उससे एक तरीके से गायब हो गई हैं, चोखा बाटी कह लें या तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं आसानी से। तो आप रोड भी देख सकते हैं, बेहतरीन रोड है बना हुआ है। और ये हमारे ऊपर जस्ट ये जो मेट्रो का सारा देखिए आप देख सकते हैं, मेट्रो ऊपर इसके ऊपर पर मेट्रो जाती है और सामने अच्छा सा रोड, आप रोड को देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन रोड बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो हरियाली पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए, ये देखिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं बीच में। रोड भी अच्छी है, मेट्रो भी ऊपर से गई है, मेट्रो पॉलिटियन सिटी कह सकते हैं अब हम। और ये बगल में चंद्रशेखर CSA का एक विश्वविद्यालय का एक गेट है पीछे वाला वो है, और सामने देख रहे हैं बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और अब हम धीरे धीरे करके ये अवधपुरी के पास पहुंचने वाले हैं, जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह भी अच्छी अच्छी बनाई गई हैं, अच्छे से इंडिकेट किया गया है। और ये अब हम इसकी जो आप ये क्रॉस आने वाला है इसको अवधपुरी के नाम से जानते हैं हम लोग कानपुर के, और देख सकते हैं ये अवधपुरी तिराहा है। फिलहाल अब हम अवधपुरी से गुरुदेव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बगल में हरियाली बाजार लगी हुई है, यहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं, सभी प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ मिल जाते हैं। तो हम गुरुदेव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो डिवाइडर बीच में बना हुआ है बहुत अच्छे से इनकी देख रेख हो रही है, इसीलिए ये सब हरे भरे हैं और पानी वानी भी अच्छे टाइम से दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है इन पेड़ पौधों की। अब हम लोग गुरुदेव मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले हैं। देखिए ट्रैफिक भी ठीक ठाक है, क्योंकि सड़क अच्छी बन जाती है तो ट्रैफिक अपने आप सुधर जाता है। सामने गुरुदेव मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा आपको, और ये एक यू टर्न भी दिया गया है यहाँ पर, गाड़ी यू टर्न करके आप सब गुरुदेव की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे रावतपुर गीता नगर सब स्टेशन मिलेंगे लगातार। तो ये सामने गुरुदेव मेट्रो स्टेशन है, बहुत ही सुंदर कलाकारी भी करी गई है, अच्छे से बनाया गया है। हाँ कुछ सही बना हुआ है। तो देख रहे हैं आप तस्वीरों के जरिए ये गुरुदेव चौराहा आने वाला है। हालांकि ट्रैफिक के दृष्टि से देखें तो यहाँ पर ये बैरियर लगा दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जाम काफी लग जाता था। सामने ये क्रॉसिंग गुरुदेव क्रॉसिंग है। यार्ड है मेट्रो का अपना, यहीं पर ट्रेनें जो है रुकती हैं और यहीं पे सब जो ट्रेनें यहीं से संचालन यहाँ पे होता है। ये डिपो है मेट्रो डिपो, और ये मेट्रो डिपो का बगल का ये मेट्रो जो है ऊपर इसी के ऊपर से निकल के स्टेशन आगे मिलेगा, गीता नगर स्टेशन मेट्रो स्टेशन मिलेगा। लिखा हुआ है, बहुत अच्छा बनाया गया है। देखिए पूरा बदल चुका है कानपुर,
साथ पूरी सड़कें जो हैं शानदार हो गई हैं, जो बीच बीच में डिवाइडर हैं, इनमें पेड़ पौधे लगा करके एक अच्छा स्वरूप दिया गया है। मेट्रो स्टेशन गीता नगर पे मिल गया है। अभी जब हम लोगों ने विश्वविद्यालय से शुरू किया तो ट्रैफिक बड़ा एकदम मतलब बहुत बहता हुआ चला जा रहा है। कोई ट्रैफिक खास नहीं है, इजीली आप अपने पहुंचते जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि मैं मोती झील ले चलेंगे, आज मोती झील तक का सफ़र कराएंगे कानपुर के। एक ये यू टर्न है गीता नगर के पास, गीता नगर मेट्रो स्टेशन, यहाँ से यू टर्न लेकर के लोग बाग अपना रावतपुर की तरफ बढ़ेंगे। जिसको डिपो कहते हैं वहीं यहीं पर आकर के पहले ट्रेन आती है यहीं पर जो मेट्रो की है, उसके बाद अपना मोती झील से होते हुए या वाया IIT तक जाती है। ये नीचे का दृश्य है, ये गीता नगर मेट्रो स्टेशन है। और मेट्रो के बन जाने से वाकई में जो खूबसूरती है वो बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात तो जो सड़कें हैं और ऊपर से भी मेट्रो के जैसे सुंदरता बढ़ गई है, नीचे भी सड़कें अच्छी हो गई हैं, ट्रैफिक भी ठीक ठाक चल रहा है और पेड़ पौधे लगे हैं। तो मतलब कहने का है कि जो पहले कहते थे ना कानपुर कैसा क्या है, गंदगी, ये तमाम चीज़ें, लेकिन अब फिलहाल काफ़ी कुछ बदल चुका है। ये सब अच्छा बन चुका है, कंप्लीट है। ये देखिए, ये गीता नगर क्रॉसिंग है मेट्रो स्टेशन के बाद, और गीता नगर क्रॉसिंग, यहीं पर कोचिंग हब भी हैं, कोचिंग्स वगैरह बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो हम धीरे धीरे करके हम लोग अब रावतपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा खासा जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं, चीज़ें भी आप देख रहे हैं लगातार सब बदली हुई। कि आप कानपुर में आ गए हैं तो अब ये रावतपुर का रेलवे स्टेशन बगल में, ये रेलवे स्टेशन है रावतपुर का। और सामने की अगर हम बात करें तो अभी ये थोड़ा सा ट्रैफिक है, ट्रैफिक गुजरेगा तो रावतपुर मेट्रो स्टेशन आपको दिखेगा। और ट्रैफिक देखिए चल दिया ट्रैफिक, ये रावतपुर का मेट्रो स्टेशन सामने आ गया यहाँ पर। और मेट्रो स्टेशन है वो सामने द्वार बना हुआ है मेट्रो स्टेशन का, यहीं से आप ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ के ये मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा आपको। तो IIT से मोती झील जो मेट्रो स्टेशन है हम आपको एक एक करके सब दिखाएंगे। और अभी हम फिलहाल रावतपुर में पहुंच चुके हैं, रावतपुर का मेट्रो स्टेशन है, देख सकते हैं। रावतपुर की क्रॉसिंग के पास पहुंचने वाले हैं, इसको गुटैया बाजार भी बोलते हैं। जो आसपास जो बाजारें लगती थी यहाँ सब्जियाँ मिल जाती थी आसानी से, तो इसको गुटैया बाजार कहते हैं। और ये सामने जो है क्रॉसिंग है, फिलहाल ये ग्रीन वाला वो बना हुआ है, जैसे आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन सामने क्रॉसिंग है जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये जब आगे बढ़ेंगे तो एक हृदय रोग संस्थान काफी फेमस है, वो सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ है हृदय रोग संस्थान का। ये हार्ट के मरीज जो हैं कानपुर में यहीं सब आते हैं।
वहीं मिल जाएगा, हृदय रोग संस्थान, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो हार्ट के पेशेंट का इलाज करते हैं। ना होगा पूरा एक गोल चौराहा, ये काफी फेमस है, यहाँ से आप डिवाइड हो जाता है दो जगह के लिए। अगर आपको राइट साइड जाना है तो आप पहुँच जाएंगे गुमटी नंबर 5 की तरफ या बस अड्डे की तरफ, लेकिन हमें मोती झील चलना है इसलिए हम सामने चलेंगे। और ये जो रास्ता गया है सामने लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, ये उसका गेट है, हल्का सा आपको दिख भी जाएगा। तो अब हम फिलहाल मोती झील की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। और देखिए, मेट्रो के बन जाने से जो सड़कें हैं वो भी अच्छी हो गई हैं और सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित हो गई हैं। पहले आपको एक और मेट्रो स्टेशन मिलने वाला है, LLR, लाला लाजपत राय, ये हैलट बोलते हैं, कानपुर का हैलट। हम आपको पूरा विश्वविद्यालय से मोती झील तक का सफर करा रहे हैं। तो ये लाला लाजपत राय हॉस्पिटल का मेट्रो स्टेशन आपके सामने है, अगल बगल सारी मेडिकल्स की ये दुकान है, ये मेडिकल स्टोर हैं और यहाँ पर सभी जो है मिल जाते हैं। ये मेट्रो स्टेशन LLR हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन है ये। LLR के बगल में ही है, मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में कोतवाली है और बगल में ही क्षेत्राधिकारी का भी कार्यालय बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो स्टेशन आपको मिलेगा मेट्रो स्टेशन, वो मोती झील है और कानपुर का अभी फिलहाल जहाँ तक मेट्रो संचालित हो रही है वो मोती झील तक हो रही है, और मोती झील ही अभी फिलहाल आखिरी स्टेशन है मेट्रो का। से नौबस्ता की तरफ भी जाएगा और ये अब हम लगातार जो है बढ़ रहे हैं। मोती झील स्टेशन अभी फिलहाल यहाँ से 200-300 मीटर ही की दूरी पर बचा है। तो ये जो है मेट्रो का पूरा संचालन जो कानपुर में किया जा रहा है, और सामने अब आपके मोती झील स्टेशन जो कि मेट्रो का आखिरी स्टेशन है और यहीं तक मेट्रो संचालित की जा रही है। तो ये मोती झील का स्टेशन आप देख सकते हैं। फिलहाल यहीं से हम लोग राइट टर्न लेंगे और मोती झील तक आपको लेके चलेंगे। ये देखिए छत्रपति महाराज का एक गेट बना हुआ है। वो है, अब इधर कहीं ही पार्क कर लेते हैं गाड़ी को, फिर आगे का हम आपको पूरा दिखाएंगे। तब तक के लिए अभी रुकिए आप।